बसपा सुप्रीमो मायावती फिर से मुगालते में आ गई हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही मायावती ने कहा है कि वे अकेले चुनाव जीतने में सक्षम हैं। कांग्रेस को झटका देते हुए मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सहित देश में कहीं भी कांग्रेस के साथ उनका कोई भी तालमेल नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि इसके पीछे कोई बड़ा दबाव तो काम नहीं कर रहा, जिस वजह से मायावती कांग्रेस से समझौता नहीं करना चाहती। मायावती का अखिलेश से गठबंधन हो चुका है और दोनों को ये लग रहा है कि वे अपने दम पर उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक लोकसभा सीटें ले आएंगे। इधर कांग्रेस द्वारा गठबंधन के प्रमुख नेताओं के पक्ष में 7 सीटों की घोषणा की गई है, जिनमें कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। लेकिन मायावती को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस को ये कहा कि वो भ्रम ना फैलाए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस यूपी में पूरी तरह से स्वतंत्र है, वे यहाँ की सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े। उन्होंने कहा, हमारा यहाँ बना गठबंधन अकेले ही भाजपा को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस यूपी में गठबंधन हेतु तो 7 सीट छोड़ने का भ्रम ना फैलाए। सुर में सुर मिलाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन भाजपा को हराने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह का कंफ्यूजन पैदा ना करे। देखने वाली बात अब ये होगी कि लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं और मायावती कहीं फिर से मुगालते में तो नहीं रह जाएंगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।